नमस्कार दोस्तों, सीकेबी सीआरएस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो जीडीएस की मैं बात करूँगा। यहाँ पर ग्राम डाक सेवक की बात, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आएगी। कहा जाए तो ये एडवर्टाइज नंबर या नोटिफिकेशन 17/21/2023 आप जीडीएस ए 2023 की सबसे बेहतरीन वैकेंसी है आप लोगों के लिए। 10th का बेस है इसमें, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या कहा जा रहा है। ठीक है, डेट 27/1/2023 आपका। आगे ऑनलाइन अप्लीकेशन इनवाइटेड आउटेड आप एलिजिबिलिटी अप्लीकेशन फॉर्म द ग्राम डाक जीडीएस ब्रांच पोस्टमैन बीपीएम असिस्टेंस ब्रांच पोस्टमैन एबीपीएम, बहुत अच्छी है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ये यहाँ ये आपका साइट है, यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ डेट की बात करता हूँ, शेड्यूल डेट की बात करता हूँ। रजिस्ट्रेशन अप्लीकेशन सबमिट स्टार्ट डेट 27/1, कहने का मतलब स्टार्ट है आपका, कोई दिक्कत है नहीं। 16/2/2023 तक आपका चलेगा। एडिट करेक्शन आप कर सकते हैं 17/2 तक 19/2 तक आपका समाप्त एप्लीकेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मैं और बात कर लेता हूँ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कैटेगरी वाइज में देखिए आपका कह रहा है यहाँ पर कि टोटल सैलरी की बात करेगा या जो भी बनेगा आपका बीपीएम ब्रांच पोस्ट मैनेजर, यहाँ पर जो है आपका 12,000 से लेके 29,380 रुपया। ए बी पी एम डाक की बात करेगा तो 10,000 से लेके 24,470 तक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं और बात कर लेता हूँ, कुछ रूल्स वगैरह दिया है। ठीक है, तो वही चीज़ है जो डेट के इशू के लिए बताया जा रहा है यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो बीपीएम यहाँ पे आएगा ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरा आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इसमें भी एबीपीएम, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों में अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट के लिए एज लिमिट कह रहा है कि मिनिमम एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एज 40 साल। यहाँ पे कुछ छूट भी दिया गया है, तो वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर छूट की कुछ इस प्रकार से कैटेगरी बांटी गई है। तो आप देख सकते हैं एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, EWS के लिए नो रिलैक्सेशन है, यहाँ पर कोई नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 है 13 है 15 है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी एज है इसमें। ठीक है, तो आपके लिए एज की छूट बहुत ज़्यादा है, 40 तक कुछ कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर क्वालिफिकेशन डेट नोटिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पर 10th की बात किया जा रहा है, क्या बात करेंगे यहाँ पर, 10th स्टैंडर्ड के बेसिक से आपका जो मैथमेटिक इंग्लिश यहाँ पर दे रहा है कि इंग्लिश मैथमेटिक है इन द आपका ये क्या है कंपल्सरी होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए दिया है कंपल्सरी होना चाहिए, सब्जेक्टेड ही कंपल्सरी होना चाहिए। तो ज़्यादातर आजकल के सभी लड़के जो भी है तो ज़्यादातर इंग्लिश और मैथ तो कंपल्सरी सभी कोई पढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे कि थोड़ा सा बी वाले में सब्जेक्ट में क्या बता रहा है कि नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज, आपका लोकल लैंग्वेज कम से कम आपको आना चाहिए जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है, तो वहाँ के बारे में कम से कम आपको ये जानकारी हो कि बातचीत करने का तौर तरीका सब कुछ होना चाहिए। अदर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल वगैरह ये सब चलाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आप किसी के जगह पे जाओगे तो साइकिल वगैरह मतलब कुछ सुविधाएं आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट्स में दिया गया है। ठीक है, तो बाकी ये अच्छी वैकेंसी है और अच्छा मतलब जो भी है इसका 10th बेस पे आपका मेरिट से आपका सिलेक्शन हो रहा है, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, तो आप लोग इसको अप्लाई करें। ओके, और मिलते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया की वही बात कर रहा है कि सिस्टम मेरिट लिस्ट है यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ मेरिट लिस्ट। यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका जो भी छटनी वगैरह रहेगा 10th बेस से मेरिट लिस्ट से किया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन या फैक्टर यहाँ पे दिया है कि ग्रेड पॉइंट आपको इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसको चुकिएगा नहीं आप लोग। जिनका हिंदी सॉरी इंग्लिश आपका है वहाँ पर मैथमेटिक्स है वो कंपल्सरी इसको डालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।